हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, जब आप हाई कोर्ट में हारे, फर्स्ट बेंच पर हारे, और उसके बाद में मेरी कोई आपकी जो है मेरी कोई वीडियो नहीं आई कि भाई यूपीएसआई में आगे क्या होगा। यूपीएसआई में जो कोर्ट केस हम हार गए, और एक रिट जैसी आपकी कैंसिल हुई, 37-37 भी हो गई, और जो राघव की है, राघव की भी रिट कैंसिल होगी, ठीक है ना। 37-37 वालों ने वकील चेंज किया था, ठीक है, इनका पैसा सब बर्बाद। इधर राघव ने जो है अशोक खरे किया था, मतलब 1.5 से 1.5 लाख के करीब, मतलब 1.5 से 1.90 लाख करीब इनका भी पैसा जो लगा था वो भी सब खराब हो गया। एक रिट कैंसिल होगी, वो तो देखो स्वाभाविक सी बात है, फर्स्ट बेंच पर अगर आप हार जाते हो तो जितनी उसके समकक्ष रिट होती है ना वो कैंसिल हो जाती है। अब आगे का देखो क्या प्लान है। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि डबल बेंच, कि डबल बेंच जाओ। भाई देखो, डबल बेंच मानो या ना मानो, वहां पर जाना ठीक नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, और देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को कभी गलत नहीं बोलता, आपको भी पता, मैं आपको मेरे व्यवहार का पता है। आज तक मैंने ना यूपीएसआई केस के नाम से फंडिंग मांगी है और ना मैं आज मांगने आया हूं, पर चीजें अब जो हमने अपने हाथ में ले ली है, अब हम किसी पर विश्वास करने वाले हैं नहीं कि भाई फलाना है इसको लीडर बना दो, फलाना है इसको लीडर बना दो, क्योंकि आप देख चुके हो, ठीक है। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसकी गलती क्या है क्या नहीं है, पर जो हुआ है वो होना नहीं था, जितने एविडेंस थे, जितना सब कुछ था। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें एविडेंस नहीं लगाए गए, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि इस वजह से आ रहे हैं। तो देखो वो बात तो अलग है, मैं कभी किसी के ना मैंने आज तक बुराई करी है ना मैं करूंगा, बट हाँ मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि अगर न्याय मिल सकता है तो सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिल सकता है, सीधी सी बात है। और आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, इसमें सिर्फ एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया मैंने, ठीक है ना, जिसमें सारी की सारी आपको जानकारी मिल जाया करेंगी, जानकारी के लिए बनाया है, ठीक है। और इसके नीचे कोई भी पेमेंट के लिए कोई भी नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, और ना मैं फंडिंग के लिए आ जाया हूँ, ना ही मेरी हिम्मत पड़ती किसी से पैसे मांगने की। जो भी होगा याची करेंगे। देखिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में याची बनना है तो देखिए ये नंबर है 74-51-88-51-99, राहुल तोमर है ये, इसके पास में आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। बस कंडीशन एक है कि जो आपका 35% वाला क्राइटेरिया है और ओवरऑल 50% वाला क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक रिट की फाइनल हियरिंग थी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो क्राइटेरिया भी पास नहीं कर पाए थे, तो भर्ती बोर्ड ने डायरेक्टली बोल दिया कि भैया तो फेलियर है, ठीक है। आपने एक 2013 की भर्ती का ऑर्डर देखना, 2013 की भर्ती का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें क्या था, उस टाइम पे क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया 40% का था सारे सब्जेक्टों में। तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो उस क्राइटेरिया को, जो याची थे उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे थे, तो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो प्लीज जो भी याची बने ना तो 35% का क्राइटेरिया होना चाहिए और 50% ओवरऑल। और ये मैंने आपको नंबर बता दिया। अब देखो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक में ज्वाइन कर लेना, आप सुप्रीम कोर्ट की कहानी सुनो। आपको पता है 22 मई से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी पड़ने वाली है, उससे पहले हमें क्या है आपकी आपकी जो है जो याचिका है वो दाखिल करनी पड़ेगी। तो वो काम चल रहा है। अब देखो ऐसा होता है, वकीलों से बात करी जाती है, 3-4 रिट हैं, कौन सी रिट लेके जानी है, सबके ग्राउंड चेक कराए जा रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर पैसों के लिए करना होता तो कोई भी रिट उठा के चले जाते और लो भैया पैसे भेज दो। पैसे तो मांगे जाने के ही नहीं शायद, क्योंकि जहां तक लग रहा है कि जो याची याची हैं वो लोग भी आपके कर लेंगे, जो जैसा भी करेंगे जो याची होंगे। पर फिर भी प्लीज एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको पता है ना तो हमने कभी पैसे मांगे, पर आज मैं आपको एक चीज से रोक रहा हूं, कोई भी यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, अगर आप विश्वास करते हो मुझ पर, कोई भी ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट किसी के भी नाम का पैसा मांगे, भाई बिल्कुल मत देना, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक रुपया भी मत देना, एक रुपया भी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वरना आप बर्बाद करवा दोगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना तो सिर्फ एक रिट डले वहां पे, एक रिट बस, ये नहीं कि वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में 2-3 डल जाए। और देखो सुप्रीम कोर्ट में मजाक खेल नहीं होता, हाई कोर्ट की तरह कि तुमने डाल दिया 10 रिट डाल दी, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए खर्च होगा केस में, मिनिमम बता रहा हूँ मिनिमम। और ये आंकड़ा ना 2017 का देखे, 2017 में कम से कम 50 लाख रुपए लगा था, ठीक है ना, 50 लाख रुपए। और भाई देखो 2017 का जो एक भाई है, मित्र है अपने, एडवोकेट अमित पांडे जी, वो LLB कर रखी है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, मेरी पर्सनल भी बात होती है, मेरा भी नंबर उनके पास है, उनका भी मेरे पास है, हमारी बात भी होती रहती है। तो उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ हुआ नहीं था,
तो असल में मुद्दा क्या था अमित भाई, वो था नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, ठीक है ना। हम नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को तो लेके ही नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं स्कैम के मुद्दे को लेकर कि भाई स्कैम हुआ है, अनियमितता हुई है, तो इसमें हमें जांच चाहिए। जो भी हमारी डिमांड रहेगी वो हमारे वकील करेंगे, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो आप देखो भाई, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जा रही है, ठीक है, और भाई वो पैसे भी आपसे नहीं मांग रहे। अब कोई व्यक्ति पैसे के लालच में आके दूसरी रिट दायर कर दे और आपसे 1,000, 2,000, 3,000 रुपए ले ले, बाद में चलो अब तो रिट डाल दी, फिर क्या होगा, रिजेंडर के लिए पैसा चाहिए, फिर क्या होगा, इसके लिए पैसा चाहिए, फिर क्या होगा, इसके लिए पैसा चाहिए, तो आपको निचोड़ लिया जाएगा। और अगर गलती से भी सुप्रीम कोर्ट में गलती से भी अगर मान के चलो एक रिट ये पड़ी है और दूसरी रिट ये पड़ी है, अगर ये कैंसिल होगी ना दूसरी, तो पहली भी रिट कैंसिल हो जाएगी, जैसा हाई कोर्ट में हुआ है। फर्स्ट बेंच पे जैसे ही एक रिट कैंसिल हुई, तुरंत 37-37 हो गई, तुरंत रगाऊ की हो गई, तुरंत 2-3 रिट और पड़ी थी और हो गई। तो भाई ये हिसाब है आपके हाथ में है। देखो जो रिट जारी है, जिस जो मैंने राहुल तोमर का नाम लिया, मैं उसके सपोर्ट में, भाई हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और प्लीज इसके अलावा कोई भी सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच के नाम से आपकी व्यक्तिगत वो है भाई, अगर देखो अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई ये आदमी जेन्युइन है, ये आज तक ना मैंने यूपीएसआई के इसके नाम पर पैसे मांगे ना कुछ, ठीक है, तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। और आप अपने रिलेक्शन सोचना कि अगर 2 रिट चली गई वहां, 2 या 3 रिट चली गई, ठीक है, और उसमें से एक रिट कैंसिल होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी रिट कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए एक ही रिट जाना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे केसेस में सुना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में डबल बेंच में भेज देता है। देखो हम आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे। दूसरी बात, स्टार्टिंग में हम चलो एक भाई 99% ऐसा नहीं होगा हमारे साथ में, पर 1% अगर हो भी गया ऐसा कि डबल बेंच भेज दे, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम वकील कर लेंगे, इतने बड़े बड़े ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि भाई रिट जो है ना, रिट किसी जूनियर वकील से 20-25 हजार रुपए में सुप्रीम कोर्ट में करवा कर SLP डलवा देंगे, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई फिर तो आपकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, और जैसे ही एक्सेप्ट होगी तुरंत हम सीनियर वकील उतार देंगे, अच्छे अच्छे सीनियर वकील, अच्छे खासे। तो ये भी हमारा है, हम ये भी नहीं कि पैसा बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो हर तरीके से मजबूती से टीम, जो भाई, जो जितने हमारे भाई हैं वो सब लगे हुए हैं। देखो हम तो घर पे बैठ के बकैती कर रहे हैं, पर जो हमारे भाई हैं वो वकीलों से बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, पर देखो धैर्य रखो, ठीक है। बहुत से लोगों के मुझ पर मैसेज आ रहे हैं कि सर जल्दी जाओ सुप्रीम कोर्ट, जल्दी जाओ सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट जाने को तो कल चले जाए, ठीक है, पर अगर हम अच्छे से नहीं जाएंगे, अच्छे से अपना ग्राउंड लेके नहीं जाएंगे, तो बात हुई है ना, फिर कैंसिल होकर घर आ जाओगे। तो बात हुई है कि अभी थोड़ा सब्र रखो, चीजें चल रही है, चीजें एकदम से नहीं होती। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में पूरी की पूरी रिट इंग्लिश में टाइप होगी, पूरी की पूरी, इसमें भी समय लगेगा। तो मजाक खेल नहीं है कि भाई आप ऐसे जा रहे हो, तो पहले वकीलों से बात चल रही है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। जितनी हमारी रिट्स हैं जिनको हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, उन सभी रिट्स के ग्राउंड चेक करवाए जा रहे हैं वकीलों से कि सबसे बेस्ट रिट कौन सी है जो हम सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। तो ये भी है, टाइम लगेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि हवा में आप जल्द बस के कल ही आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। बस मेरा वीडियो बनाने का मतलब एक है, ना तो मैं यहाँ पैसा लेने आया था ना ही कुछ, बस मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, बड़े भाई छोटे भाई जो भी आप लोग हो, प्लीज 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 यार प्लीज ऐसा मत करना कि आप किसी और को फंड कर दो और सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य भी हमारा खराब हो जाए। और मानिएगा यकीन, सुप्रीम कोर्ट में जो हम जा रहे हैं तो जीत लेकर आएंगे। और ये बात मैं पैसा लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जीत कहेंगे लो भाई और अकाउंट नंबर इसमें पैसे डाल दो, ठीक है। तो भाई ये चीजें हैं, और प्लीज फिर उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी को भी मत देना आगे भाई, तुम्हारी व्यक्तिगत आस्था है किसी पर, क्योंकि आज तक तो कुछ मिला नहीं। हाई कोर्ट में भी आपने देख लिया, हर तरीके से देख लिया आपने, एक एक व्यक्ति देख लिया, तो आज तक तो कुछ मिला नहीं है, ठीक है। आगे भाई आपकी मर्जी है, आपको जो उचित लगे, अगर आप चाहो तो उसके अपना जो घर है उसके नाम किसी और व्यक्ति के नाम करवा सकते हो, प्रॉपर्टी नाम करवा सकते हो, ठीक है ना। वो तो आपकी श्रद्धा है, पर्सनल श्रद्धा है, पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी थोड़ी सी मान लेना, वरना हाईकोर्ट वाला काम होगा 2-3 दिन अगर वहां पे चली गई। और जो डबल बेंच की बात कर रहे हैं, मैंने वही बता दिया, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, SLP दायर करेंगे जूनियर वकील से, जो वो ना हो, 99% हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो है SLP है वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, और उसके बाद का खेल जो होगा बहुत बढ़िया होगा, दिक्कत मत लो, ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अपना पढ़ाई करते रहो, किसी और एग्जाम की भी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यूपीएसआई पे लगे हुए हो तो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो, ठीक है। तो
प्लीज छोटी सी इतनी सी रिक्वेस्ट थी। देखो धंधा पानी बहुत अच्छा चल रहा है, ईश्वर की कृपा से। एक टेलीग्राम का मैंने आपको लिंक दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक, उसमें जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जितने आपके भाई है, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जानकारी है कि भाई अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, वहां पर अपडेट दे दिया करेंगे हम। ठीक है, बट प्लीज किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, जितने भी आपके यूपीएसआई के साथी हैं जो लोग अब भी एक्टिव है उनके पास में एक वीडियो चला जाए उसको, ताकि बात चीजें समझ में आ जाए और वो अपना पैसा कहीं गलत चीजें बर्बाद ना करे। ठीक है, एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट थी आपसे, आगे भाई आपकी मर्जी। इंडियन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बहुत जल्द जा रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, और आर्थिक सहयोग की तो हम बात कर नहीं रहे, थोड़ा सा बस ये है कि आर्थिक सहयोग ये कर देना कि पैसे मत देना किसी को भी, ठीक है ना, बस ये है, जब तक ना बोला जाए, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, वरना वही काम होगा जो हाई कोर्ट में हुआ है। लोगों ने धंधे बना लिए भाई, ऐसे इधर कर दो उधर कर दो, भाई कुछ फायदा नहीं है यार। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई हैं, अगर उनको देखो, अगर कोई और भी व्यक्ति है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है या डबल बेंच जाना है तो फिर एक साथ चलते हैं ना यार, एक साथ आ जाओ, एक साथ चलते हैं, अलग अलग मत जाओ, अलग अलग रिकमेंट लो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी भाई। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।